दनहार पुलिस ने की सफलता हासिल, अपराधी को किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता शिवम चौहान की कार पर फायर करने वाले को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर मुल्कू सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह, विजय प्रताप सिंह पुत्र अनिल कुमार, संगम पुत्र देवेंद्र सिंह को किया गिरफ्तार। अपराधी मध्य प्रदेश के मुरैना में बुलेरो से जाने की फिराक में थे। तीनों अपराधियों ने पुलिस पर भी की फायरिंग, पुलिस बाल बाल बच गए। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विगत 6 नवंबर को शिवम चौहान की कार पर किए थे फायर। जब फायर किया गया था तब शिवम चौहान कार में मौजूद नहीं थे। फायरिंग में शिवम चौहान का गनर गंभीर रूप से घायल था। गनर ने आगरा के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जनपद मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।